मुझे सीबीआई से कल नोटिस मिला था कि आज मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूं। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेकर उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा, इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा। और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस बात को ध्यान रखेंगे।